नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल ऑटो बाइक जंक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने के लिए AMD इंडस्ट्रीज दक्षिणी बाईपास कोल्ड स्टोरेज के सामने गोरखपुर रोड आनंद नगर महाराजगंज के APM इलेक्ट्रिक रिक्शा के शोरूम पर आए हैं। यहां आपको आसान मासिक किस्तों पर फाइनेंस की सुविधा मिलती है। साथ ही आप APM रिक्शा की लोडर या फिर पैसेंजर इलेक्ट्रिक रिक्शा परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, APM रिक्शा लोडर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग हब कानपुर में है। यह रिक्शा पूर्णतः भारतीय रिक्शा है। अगर इसके माइलेज, परफॉर्मेंस, कलर, फीचर्स, बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहां इस थ्री व्हीलर में आपको सारी सुविधाओं से लैस रिक्शा देखने को मिल जाता है। आप इसे खरीदकर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल को देखते हुए वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का ही चलन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस ई रिक्शा को लेना चाहते हैं तो APM ई रिक्शा पर भी विचार कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऑटो बाइक जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग से विनम्र आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अगर इसकी फ्रंट से लुक को देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको बड़ी चौड़ी साइज में LED बल्ब की लाइट मिल जाती है, जो रात के समय आपको मेन हेडलाइट के साथ मिलकर काफी तेज रोशनी प्रदान करती है। यहाँ पर काफी प्रीमियम क्वालिटी में विंडशील्ड देखने को मिलता है। इस विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए यहाँ पर वाइपर मिलता है, लेकिन इस रिक्शा में अभी असेंबल नहीं है। जब आप इसे खरीदते हैं तो वाइपर लगा दिया जाता है। इसके बीच में देखें तो यहाँ पर मैट ब्लैक कलर में आयरन प्लेट पर APM लिखा स्टीकर मिल जाता है। इसके ठीक नीचे साइड में यहाँ पर राउंड शेप में हाइड्रोजन बल्ब के साथ हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जो रात के समय काफी तेज रोशनी प्रदान करती है। यहाँ हार लगा मिल जाता है। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है। पर काफी मजबूत आपको आयरन का मोटा एंगल देखने को मिलता है। अगर फ्रंट सस्पेंशन को देखें तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। टायर की बात करें तो 12 इंच के नायलॉन के टायर यहाँ पर लगे मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखे तो मोटे एंगल प्लेट पर भी आपको APM का स्टीकर लगा मिलता है। मेट गार्ड पर कीचड़ वगैरह से बचने के लिए गार्ड रबर दिया गया है। इसका मेट गार्ड आपको स्टील बॉडी में लगा हुआ मिल जाएगा। साथ ही गोलाकार में आपको नीचे और ऊपर की साइड में इंडिकेटर मिल जाता है, जिसमें LED बल्ब का प्रयोग किया गया है। एक लाल और एक सफेद कलर में इंडिकेटर लगा मिल जाता है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर एंगल आपको आयरन के मिल जाते हैं, जो काफी मजबूत क्वालिटी में है। इस पर भी आप APM का स्टीकर लगा देखेंगे। बगल में ही ड्राइवर के नीचे की साइड में आपको हैंडब्रेक मिल जाता है। ड्राइवर के नीचे की साइड में स्पेस आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहीं पर ब्रेक को कमांड करने के लिए एक ब्रेक पैडल भी दिया गया है। इसके म्यूजिक सिस्टम को देखें तो इसके म्यूजिक सिस्टम को अन्य ई रिक्शा की तरह ऊपर न देकर नीचे की साइड में दिया गया है, जो एक हद तक काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको दो स्पीकर के साथ बेहतरीन क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। अगर ड्राइवर सीट को देखें तो यहाँ पर आपको डुअल कलर ऑप्शन राइट में काफी स्मूथ एवं कंफर्टेबल सीट मिल जाता है। बैक रेस्ट के साथ ताकि गाड़ी चालक आराम के साथ बैठकर इस रिक्शा को चला सके। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है। इस सीट पर दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं। काफी चौड़ी सीट मिल जाती है। केबिन के ऊपर साइड में आपको केबिन को उजाला करने के लिए LED लाइट दिया गया है। इसकी लुक काफी अच्छी क्वालिटी की है। पीछे पैसेंजर केबिन के बैक साइड में आपको कुछ APM ऑटो सेल्स की तरफ से इस इलेक्ट्रिक रिक्शा से संबंधित इंफॉर्मेशन लिखा मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी GVW ग्रास वेट 700 kg, पेलोड कैपेसिटी 490 kg का लिखा मिल जाता है। और ऊपर की साइड में काफी बड़ी साइज में APM का मोनोग्राम स्टिकर लगा भी आप देख सकते हैं। 1.4 HP पावर के साथ मैक्सिमम 25 किमी प्रति घंटा की स्पीड यह APM रिक्शा पकड़ सकती है। 7 से 8 घंटे में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, और एक बार फुल चार्ज होने पर आप 90 से 95 किलोमीटर तक का सफर आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिक्शा की स्टीयरिंग में लॉक सिस्टम दिया गया है। 4+1 में इसकी सीटिंग कैपेसिटी आती है। इसमें 48 वोल्ट DC 40 वोल्ट AC का मोटर कंट्रोलर मिल जाता है, जो कि इस रिक्शा के हिसाब से काफी अच्छा है।
तो अगर देखा जाए दोस्तों इसके मजबूती के तो एपीएम ई रिक्शा में मजबूती का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। सवारी की सेफ्टी हो या ड्राइविंग कम्फर्ट की बात हो तो इसी रिक्शा के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी कर्वेट 325 केजी के साथ इसमें 700 केजी का ग्रास वेट मिल जाता है। इसकी मोटर पावर 850/100 वाट के साथ 12 वोल्ट 100 एएच लेड एसिड बैटरी इसमें लग रखी है। तो इस इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की स्ट्रोक लेंथ 110 एमएम है। इसके पहियों में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसके पीछे की दोनों सीट काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी में दी गई है। आपको पीछे की साइड में सीट के साथ साथ बैक रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। दोनों सीट के बीच में स्पेस आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है, जिससे पैसेंजर सामान वगैरह भी रखकर आराम से यात्रा कर सकता है। वैसे इस ई रिक्शा में लगेज वगैरह रखने के लिए रूफ के ऊपर आपको लगेज गार्ड भी मिल जाता है, जो काफी मजबूत क्वालिटी में बिल्ड किया गया है। सामने हैंडल बार के साइड में आपको यहाँ पर डिजिटल स्पीडोमीटर लगा मिल जाता है। इस स्पीडोमीटर में ई रिक्शा से संबंधित हर तरह की इंफॉर्मेशन शो होती है। इसकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी खत्म हो गई, इसका इंडिकेट स्पीडोमीटर में देखने को मिल जाता है। आगे की साइड में दोनों तरफ साइड शीशा मिलता है, ताकि गाड़ी ड्राइव करते समय ड्राइवर आसानी के साथ पीछे की तरफ देख सके। हैंडल बार पर तमाम सारी कंट्रोल स्विच देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हॉर्न का और अपर डिपर लाइट का स्विच मिल जाता है। साथ ही नीचे की साइड में इंडिकेटर स्विच भी मिल जाता है। हैंडल की दूसरी साइड में देखें तो यहाँ पर फ्रंट और रिवर्स करने के लिए स्विच दिया गया है। तो दोस्तों एपीएम इलेक्ट्रिक ई रिक्शा काफी सारी सुविधाओं से लैस है। इसके पहियों में अलॉय व्हील की बात करें तो काफी खूबसूरत आपको यहाँ पर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि गाड़ी जब रोड पर चलती है तो काफी अच्छी लगती है। एपीएम इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ऑटो को पीछे की साइड से देखें तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा व्हील्स यानी कि स्टेपनी मिल जाती है। ऊपर की साइड में इसके अच्छी क्वालिटी के बने हुए पर्दे मिल जाते हैं, ताकि बारिश के समय पैसेंजर भीगने से बच सके। साइड में आपको हाइड्रोजन बल्ब के साथ दोनों साइड में इंडिकेटर मिलते हैं। इंडिकेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाली लगा हुआ है। बीच में देखें तो काफी बड़ी साइज में एपीएम ऑटो ई रिक्शा लिखा स्टिकर देखने को मिलता है। इसके नीचे की साइड में बेहतरीन मजबूत बम्पर मिल जाता है। यह बम्पर आपके ई रिक्शा को अगर पीछे से कोई दूसरी गाड़ी हिट करती है तो उसे नुकसान होने से बचाता है। नीचे की तरफ आपको बेहतरीन सस्पेंशन मिल जाते हैं। इस साथ इस गाड़ी में जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लैडर चेसिस पर बनी हुई है, जो लोडिंग कैपेसिटी को काफी बेहतर बनाता है। दोस्तों इस ई रिक्शा को आप कम से कम डाउन पेमेंट पर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट 40 से 50,000 रुपए तक है तो आप इस ई रिक्शा को 40 से 50,000 रुपए डाउन पेमेंट जमा करके फाइनेंस के माध्यम से ले सकते हैं। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको यह इलेक्ट्रिक ई रिक्शा ऑन रोड 2,10,000 रुपए की पड़ती है, लेकिन इसमें 35,000 की सब्सिडी भी मिलती है। अगर सब्सिडी घटा दिया जाए तो यह इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर आपको 1,75,000 रुपए की ऑन रोड पड़ेगी। इस इलेक्ट्रिक ई रिक्शा से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस शोरूम का फोन नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।